नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बैस्कोप और हमें आपके साथ अजय कुमार। अभी हम मौजूद हैं महागामा अनुमंडल क्षेत्र के परसा गांव में। आज यहां पे माननीय विधायक श्रीमती दीपिका सिंह पांडे के द्वारा शिलान्यास स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहां पे कुछ ग्रामीण है, ग्रामीणों को जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर इस शिलान्यास स्टेडियम के शिलान्यास से कितना खुश हैं, क्या कुछ है, ग्रामीणों से जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एम डी इलियास हुआ। अच्छा, आज यहाँ पे शिलान्यास स्टेडियम का शिलान्यास रखा जा रहा है जी। इसमें क्या कुछ कहते हैं, कितना क्या लागत से बना है और कब से इसका मांग था ग्रामीण? ये मांग बहुत सदियों से आ रहा है, यानी 2000 ईस्वी से ही, लेकिन कोई इसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन आज ये विधायक दीपिका पांडे जी संज्ञान में लेते हुए आज शिलान्यास करा रहा है। बस यही कहना। और भी कुछ है? क्या नाम है सर आपका? असलम परवेज। आज यहाँ पे लगभग कितने की लागत से ये शिलान्यास रखा जा रहा है सर? यहाँ पे लगभग 83 लाख के वो जो लगभग हो। अच्छा, उसी के आसपास का है। इस पूरे महागामा अनुमंडल की बात करें तो लगभग कितना ऐसा महागामा के बाद तो एक यही स्टेडियम का आज शिलान्यास रखा जा रहा है? महागामा के बाद कहीं ऐसा कोई ऐसा पंचायत नहीं है जितना कि यहाँ परसा में ज़मीन उपलब्ध था। अच्छा, और भी पंचायत है लेकिन ज़मीन इस तरह से उपलब्ध नहीं है, और स्टेडियम का जो आकार होता है उस रूप में यहाँ पर पहले से बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ का ग्रामीणों का बहुत दिन से मांग चल रहा था कि हम लोगों को यहाँ पर एक स्टेडियम चाहिए। क्या कि यहाँ पर हाई स्कूल भी है, कॉलेज भी है, बच्चे को खेलने उलने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके चलते मांग उठा और विधायक हम लोगों का बना और ये हम लोगों का मांग को बखूबी तरीके से अपने तरीके से जहाँ तक प्रयास हुआ प्रयास करके विधायक मैडम के द्वारा ये शिलान्यास तक पहुँचा। आज ही मैडम जी यहाँ शिलान्यास आधार से रख रहे हैं जी, आज ही होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुल्फिकार अली। कुछ कहिएगा, आप बता रहा है कि यहाँ की जनता बहुत खुश है इस शिलान्यास को लेके, कि स्टेडियम का जो शिलान्यास हो रहा है उसे हम लोग बहुत खुश हैं। लगातार कई नेता आए गए लेकिन इस बार जो कह रहा है कि वर्षों से इसकी मांग चल रही थी, ये कहा जाए कि झारखंड अलग होने के पूर्व से ही इसका मांग चल रहा था, लेकिन आज तक किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, लेकिन वर्तमान विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने इसका संज्ञान लेके आज शिलान्यास करने का मौका दिया, अवसर दिया। युवाओं को कितना इससे फायदा होने वाला है? यहाँ के युवाओं को पूर्ण रूप से फायदा होगा इसमें, नहीं का तो कोई गप ही नहीं है। जो खेल प्रेमी है उसे तो सब खुश हैं, इसे हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और भी कुछ सर हैं उनसे सर जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद निशार कैफी हो। अच्छा, युवाओं को खासकर शिड्यूल इलाके में आज का जो स्टेडियम का शिलान्यास रखा जा रहा है, युवाओं में कितना खुश है, युवा कितना फ़ायदा होने वाला है? युवा को बहुत फ़ायदा होगा, इससे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये आगे तक जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा इनसे। हमें लगता है कि घर घर के बच्चे जो हैं आगे लेवल तक जाएंगे और शिक्षा वाले बच्चे को भी फ़ायदा होगा आगे बढ़ने का, जो बच्चा घर तक थे अब वो दूर तक जाएंगे। इसको लेकर विधायक जी को क्या कहिएगा, ये तो बोलिए। और उसका हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो मैडम आई और इस वर्ष और हम लोगों को ये स्टेडियम हम लोगों के यहाँ शिलान्यास होगा, बेहद खुश हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हलीमुद्दीन। क्या कुछ कहिएगा विधायक जी को? ग्रामीण बता रहा है कि कई वर्षों से मांग था लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरा होते दिख रहा है। 2000 से ही मांग चल रहा है। हर साल तो और हर साल प्रोग्राम होता है, हर साल फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, ये प्रोग्राम होते रहता है बार बार, तो ये पहले से भी उस टाइप का जगह भी है यहाँ पर, इसलिए मांग किया जा रहा था कि नहीं स्टेडियम बनाया जाए। और उसके बाद मांगते मांगते आज जो है इस मांग को पूरा श्रीमती दीपिका पांडे जी ने किया, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, गांव के इलाके के सब खुश हैं, बन जाए। अच्छा, एक लास्ट आखिरी बात है कि इस पंचवर्षीय में 4.5 साल तो पूरा हो गया, विधायक जी का क्या कार्यकाल रहा, किस तरह का कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। सबसे बड़ी बात है कि आदमी को जो है चैन सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी चाहिए, कोई किसी का घर नहीं बनाता है, कोई किसी का खर्ची नहीं चलाता है, जिसके कार्यकाल में सबसे बड़ी बात है कि शांति हो, शांति ढंग से आदमी जी रहा है, सब खुश है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। मोहम्मद मनीरुद्दीन। क्या कुछ कहिएगा, लगातार यह जो है बहुत दिन से यह प्रयास हो रहा था जी।
और जब से यहाँ खेल रहा था तो मैं रेफरी के पद पर निभा रहा था जी, जी। लेकिन उदासीन था क्योंकि एसटीएम नहीं बनना था। अब यह विधायक आया है, हम लोगों को बहुत खुश हैं इसके मसले में। और क्या कहूँ सर, आप लोग तो बहुत खुश रहा हा? हम लोगों को शांति चाहिए, कुछ नहीं। इस बार शांति है ना? हाँ इन सब शांति। तो हम किसको एक बार दिखाया जाए कि किस प्रकार। यही देखिए, आज झारखंड सरकार भवन निर्माण विभाग खेलकूद एवं पर्यटन मत से स्वीकृति गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड के मौजा परसा में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण प्रारंभ राशि जो कि 83 लाख लगभग से है, जो कि आज का उद्घाटन के रूप में माननीय विधायक श्रीमती दीपिका सिंह पांडे हैं। अब हम बाकी आपकी क्या राय है एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, बने रहिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।